ईडीसी रेडियो पंजाब न्यूज़ देख रहे सारे दर्शकों तेलों धन्यवाद करते हैं जी। मैं जसवंत सिंह डांगी हाँ। अज असी पहुंचे हाँ वार्ड नंबर एक गुरप्रीत कौर ततला जी, जो चोन मैदान में उतरन जा रहे हैं। हरेक पार्टी आपो अपने तरीके जोर ला रही है तो ये चोणों में जितने की कोशिश कर रही है। इस तरह गुरप्रीत कौर ततला जी भी चोन मैदान में पूरा जोर ला रहे हैं। साढ़े नाल उन्होंने हसबैंड सतिंदरजीत सिंह ततला जी साढ़े नाल, आप उन्होंने गलबात करांगे भी वो चोन मैदान में किस तरह की भूमिका निभा रहे। सर सत श्री अकाल जी। सर जिस तरह चोन मैदान हरेक पार्टी आप अपने तरीके जोर ला रही है तो पूरे जोर शोर न चोणों का बिगल बज चुकया वा, तुम किस तरह देख रहे हो? ठीक है जी, सब ने अपने अपने तौर पर आपदा आपदा पार्टी का प्रचार करना है। मैं समझदा जी पार्टी के नाल नाल जो तुहानू एम सी या सरपंच की इलैक्शन है वो ये है भी थोड़ा आपदा जो फेस भी आ वह भी देखने सामने आता लोगों को पता थोड़ा परसनली तुसी की काम किए ने किसी थोड़ी नेचर किदा दी है, तुसी चंगे हो जां माड़े हो, वोट दे लोग है लोग जानते ही ने जी सारयां नू। फिर वो ये है कि आप चलो काम पार्टियां दे सिर ते हुंदे ने, पार्टियां ते डिपेंड करता कि उन्होंने ही आप हाईकमांड तो लैके चीज़ा इतने लैके आनियाँ सहूलत लैके आनियाँ और अपनी सोच वधिया हो सारे काम हो जाते हैं। हुण साढ़े वार्ड है, मैं कई बार दस चुके हैं कि साढ़े वार्ड के तकरीबन काम सारे कंप्लीट हो चुके हैं। बहुत 10-20% टाइलां रह गई, 100% सीवर, 100% वाटर सप्लाई, 0 to 100% तक गए हैं जी, वो हो चुके हैं। और उदू मगरों टाइलां हैं वो भी 70% के करीब हो चुकी हैं। 20% टेंडर चाहे जो टेंडर किसी कारण रुकवाए और 17-18 तो बाद कम चल पूगा जी, पर लेकिन मैं नहीं समझता भी कोई सानू कोई दिक्कत आई। स्ट्रीट लाइट पोल जो है बहुत कुछ हो चुके, बड़े काम हो चुके और कंप्लीट हो चुके हैं। और करोना महामारी दौरान भी असी राशन वंडिया किया खुद को, मैनू करोना भी हो गया, सैनेटाइज कराते रहे, बट लेकिन फिर भी वो लोगों सब कुछ देखता है, पैंपलेट वंडे ने लोगों डिटेल्स दे रहे हैं और लोग साढ़े दसों नालों सानू फोन आ रहे हैं, लोग सानू रैलियां दे विच कह रहे हैं बड़ा वधिया लग रहा है। इस करके बहुत वधिया उम्मीद नाल आपदे वोट की गल करदा कि 100% वधिया तरीके नाल जितांगे जी। और दूजी गल साडा विरोधियों नू चैलेंज है, जो एक किसी को लोगों के घर वड़ के कोई कुछ कहता कोई कुछ कहता कोई जान के कोई इदा आह नहीं कम होया जी इदा नहीं जी, जिहड़ियां 10-12 गलियां रहिंदियां उदू बगैर मुद्दा नहीं, पर उन्होंने ये नहीं दिखता सारे जगराओं चो लगभग वध कम वार्ड नंबर 1 च होया जी, जिहड़ियां कि 28 गलियां बन चुकियां ने लगभग 28 गलियां और सीवर वाटर सप्लाई टोटल 0 to 100% कंप्लीट होया। पता नहीं वो किहड़े मूँह ना कुछ जो भी कह के बोलते हैं लोगों को प्रचार कर जाते हैं, किहड़े मूँह ना जाते हैं, पर मैं उन्होंने चैलेंज करता है कि मेरे ना ओपनली यानी कि साडा कट पिछली बार होया जी पेपर पाउण गया उहदे 250 का कट सी, कल इत्थे फिर असीं घरे मीटिंग की 250-300 का कट सी, फिर कल जिहड़ी ओपनिंग थी 450-450 का कट सी। मैं समझदा 450-450 दे विच मैं तो ओपनली पहिना भरावां नूं, मेरे भैण भरा ही ने, तो इन्हां नूं कहिंदा आओ साडी मीटिंग 'च आ जाओ, साडी मीटिंग 'च आ के सानूं ओपनली क्वेश्चन करो, मैं तुहाडे आंसर दिंदे आ। और दूजी गल उहदे नाल जेकर सानूं नाले पता लगू जो है तुहाडा आपदा कट तां हो नहीं रिहा, जेकर नहीं भी हो रिहा तां साडे कट 'च आ के क्वेश्चन कर लो, सानूं कहो कि आह गल्लां तुसीं गलत हो ते असीं उहदा जवाब देवांगे जी। सच्चे तरह तुसीं पहलां भी चोण लड़ चुके हो, तुसी जित चुके हो चीज़ नूं, ते पर तुसी तुहानू कि इस बारी की लगता कि भी फिर भी जो तुहाडे महला वासी आ तुहाडी झोली सीट पाउणगे? बिल्कुल जी, 100% सारे मान कर रहे हैं। हुण देखो ये लोग है जिहड़े ये मेरे जिहड़े भैण भरा ने राजस्थानी भरा आ बिहारी भरा आ वह रहिंदे आ, उहनां नूं भी ये गुमराह करन दी कोशिश लोगों से कह रहे थे, ये जी असीं आए लै लांगे वोटां लालच दे के लै लांगे, पर जो उन्होंने भैणां भरावां ने मेरिया ने उन्हां नाल मैं 20 साल तो वरत रहे हैं जी, असीं साडी फैमिली उन्हां नाल और भैणां भरावां दे रूप च रह रहे हैं। हुण उहनां ने अपने वधिया प्लाट लै लिया, घर भी बना लिया, उन्होंने किसी चीज़ का लालच नहीं, उन्होंने इस गल का एक सबूत दें अच्छ कट किया जी, कट के उन्होंने किनुआ नाल तोल के सानू उत्थे उन्होंने वधिया सानू हौसला दिता कि आ देखो वो लोग कह रहे हैं कि इन्हां तुसीं लालच वास चीज़ लेंगे, सानू किसी चीज़ का लालच नहीं, ओपनली सारे इकट्ठे होकर आए हैं, सानू कोई डर नहीं कोई लालच नहीं कि असीं आपका फेस नहीं दिखाना, असीं तुहाडे विच नहीं आना, फिर असीं तुहाडे इकट्ठ च नहीं बल्कि असीं आप इकट्ठ करके तुहानू बुला रहे हैं। इत्थे गल साहब सारे साडी हाईकमांड आई सी और मैं कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद करदा कि पार्टी का भी दिलों तहत प्यार करते हैं जी। सर जिस तरह हुण अकाली ते भाजपा का गठजोड़ टुट चुकिया वा, कि उसनू तुसीं किस तरह देख रहे भी उस चीज़ का तुहानू किन्ना कु फायदा मिलू? नहीं देखो साढ़े इत्थे है जी, साढ़े भाजपा का तो कोई नहीं है पार्टी कैंडीडेट नहीं है, चलो अकाली दल है पर अकाली दल जो छवि है वह देख रही है, सब नूं पता है साढ़े कलेर साहब इतों के MLA सीगे और जो भी है चलो उन्होंने इत्थे रिहायश है उन्हां दी, लोग उन्होंने भली भांति एक दूजे को जानते हैं, तो जोड़े कैंडीडेट आ उन्होंने भी लोग भली भांति जानते हैं जी, मैं कहना नहीं चाहता, पर लेकिन उन्हों की जो छवि है अज भी कोई साढ़े को एक लेडी प्रचार कर आई है, वो आई है तो वह आके दस रही है कि मेरा इन्होंने घर नप लिया, 2019 उन्हें
ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾਇਆ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੋਟ ਮੰਗਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ, 6 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਅੱਗੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਾਈਟ ਸਿਸਟਮ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਘਰੇਲੂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆ ਗੱਲਾਂ ਪੈਂਪਲੇਟ ਵੰਡੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਵੰਡੇ ਨੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵਾਈਜ਼ ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿ ਆਹ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਗਲੀ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਗਲੀ ਤੱਕ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਕ ਜੀ 1 ਆਰ 2 ਆਰ 3 ਆਰ, ਨੋ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਕ ਫਲਾਨਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਫਲਾਨਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਨਗਰ ਫਲਾਨਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਫਲਾਨਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ, ਨਿਊ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਨਗਰ ਫਲਾਨਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਫਲਾਨਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਕ ਗੁਲਾਬੀ ਵਾਕ ਸਭ ਦੇ ਲਿਖੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕਿਹਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਗਲੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੱਸੋ ਇਹਨੂੰ ਬਾਈ ਨੇਮ ਦੇਖੋ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਫਲਾਨੇ ਦੀ ਹੈ ਇਹ ਗਲੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਐਵੇਂ 1 ਆਰ 2 ਆਰ ਕਰਕੇ ਲਿਖਤੀਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। 28 ਗਲੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਲਗਭਗ, ਔਰ ਟਾਈਲਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੋਰਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਵਰ ਪਾਇਆ ਟੋਟਲ 0 ਤੋਂ 100% ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ। ਫਿਰ ਜੀ ਉਹ 16 'ਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, 15 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਜੀ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਪਾਈ, ਉਹ ਵੀ 100% ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਟੈਂਕੀ ਬਣੀ ਉਹਦੀ ਖਾਤਰ 1-3 ਟਬਾੜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਟਾਈਲਾਂ ਸ਼ੋਰਟ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਟਾਈਲਾਂ ਦਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਟਾਈਲਾਂ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 70% 'ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰੈਲੀ ਕੱਢਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਇਹ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਊਗੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਨੇ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾ ਲਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਔਰ ਇਕੱਲਾ ਮੇਰੇ ਵੋਟ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਲ ਓਵਰ ਸਾਡੇ ਜਗਰਾਉਂ ਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ, ਬਾਕੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਰਿਪੋਰਟਰ ਹੋ ਮੇਰੇ ਭਰਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਇਹ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਘਰ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ, ਸਾਡਾ ਵੋਟ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵੋਟ ਦੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਜੋ ਹੋਊਗਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਡਾ ਵਧੀਆ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਧੀਆ ਨਿਕਲਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਤਤਲਾ ਜੀ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ, ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 1 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਾਜਿਤ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਾਂਗੇ ਨਾਲ, ADC ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ।